भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित समधिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज द्वारा आज दिनांक 12 फरवरी 2022 को भिवंडी स्थित समधिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज कनेरी में मोहतरम मौलाना अबू जफर हसन नदवी अजहरी साहब के अध्यक्षता में कोरोना वायरस के महामारी के संकट में शिक्षा से वंचित रहे विद्यार्थियों तथा शिक्षकों का मार्गदर्शन सभा का आयोजन समधिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल साजिद सलीम सिद्दीकी सर व चेयरमैन तलहा शरीफ हसन मोमिन तथा समधिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के मैनेजमेंट द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर समधिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के सदर शरीफ हसन रमजान मोमिन, समधिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के सेक्रेटरी खेफ नियाज अहमद मोमिन, केमीएस सोसाइटी के सेक्रेटरी सोहेल फक्की, साफिया गर्ल्स हाई स्कूल के सदर अंसार अहमद अंसारी, रफियुद्दीन फक्की गर्ल्स हाई स्कूल के चेयरमैन नूह पटेल, सलाउद्दीन अयूबी मेमोरियल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के सेक्रेटरी जलीस अहमद आजमी, अलहमद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के सेक्रेटरी रियाजुद्दीन खान, न्यू नेशनल हाई स्कूल के डॉक्टर निसार अहमद अंसारी, अस्का गर्ल्स हाई स्कूल के सेक्रेटरी अफान जावेद फरीद, मुलमा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के चेयरमैन महफूज अंसारी, भिवंडी उर्दू हाई स्कूल के सेक्रेटरी अब्दुल कादिर सिद्दीकी, अलुमत हाई स्कूल के चेयरमैन आतिफ मोमिन, अलफलक हाई स्कूल के सेक्रेटरी जकी मोमिन, हेरा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के चेयरमैन सरोश भूरे, उर्दू टीचर्स यूनियन के सेक्रेटरी मोहम्मद नसीर शेख, शादे आदम शेख टेक्निकल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल शर्मिन मोमिन, उर्दू हेडमास्टर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी कैसर ढोले सहित भारी संख्या में मान्यवर व विद्यार्थी तथा शिक्षक उपस्थित थे। तो वहीं आगे हम आपको बता दें कि इनकलाब मुंबई के एडिटर शाहिद लतीफ, राइस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के चेयरमैन एडवोकेट यासीन मोमिन एम कॉम व ICWA तथा CA मोहम्मद सरदार खान, इन सभी लोगों ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। सिफत खुदा की है, इबादत सिफत इंसान की है। हम खोलना चाहिए अल्लाह की सुरत में, इंसान की सुरत में। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको आबाद रखे। अगर मेरी वजह से कोई डिस्टर्बेंस हुआ हो या आप लोगों को कोई तकलीफ हुई हो, आप सब प्रयास मेरे साथ तौर पर मेरा हमेशा से बिल्कुल रहना चाहता है। हमारी भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी सोसाइटी है और हमारे पास फिल वक्त अभी 300 से 350 टीचर्स हैं और तकरीबन 8000 बच्चे हैं। तो हमारे सेक्रेटरी खीप सर और हमारे चेयरमैन तला सर का ऐसा मानना था कि भाई 2 साल 2.5 साल के बाद जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, तो ये बच्चों को जितनी जो अवेयरनेस होनी चाहिए थी तालीम की उतनी नहीं है, तो क्यों ना इनके लिए ऐसा एक वर्कशॉप किया जाए असातिज़ा को गाइड करने के लिए कि भाई असातिज़ा को बहुत परेशानी आ रही है और उसके अलावा जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको माशी परेशानी है, फिर उसके अलावा बच्चे खुद भी अगर 2 साल बाद आ गए तो तालीम से उनका रब्ता दूर हो चुका था, तो अब उनके अंदर अखलाकी जो गिरावट आ गई थी उसको किस तरह दूर करें। तो हम तमाम लोगों ने फिर ये तय किया कि भाई क्यों ना एक वर्कशॉप मुनाकिद किया जाए और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस हम ये मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज़ से इस उनवान से हमने ये असातिज़ा के लिए, पेरेंट्स के लिए और तलबा के लिए वर्कशॉप मुनाकिद किया ताकि हम बता सकें कि कोरोना के बाद जो मसाइल हैं उन मसाइल का जो तदारुक है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे शाहिद लतीफ़ हमारे थे, एडवोकेट यासिन मोमिन सर हैं और हमारे सरदार खान सर हैं, इन लोगों ने तमाम मसाइल पर एक अच्छी गुफ्तगू की और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस नतीजे पर पहुंचे कि जिस मकसद के तहत हमने ये प्रोग्राम मुनाकिद किया था अल्लाह ने उसमें हमको कामयाबी दी। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा उर्दू मीडियम का स्कूल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भिवंडी की जितनी भी उर्दू मीडियम की टॉप की स्कूलें हैं
तमाम के जो मुंतजमीन हैं, जो उनके सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं, उनको हमने इनवाइट किया। और मैं समझता हूं कि पूरे भिवंडी के जितने लोगों को हमने इनवाइट किया था, तमाम लोग आज हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद थे। सब उर्दू मीडियम के, तो क्योंकि हमारा ताल्लुकात उनसे, हमारे ताल्लुकात उनसे ज़्यादा है। और उनके सामने हमने अपनी बात रखी, वो सब आज के प्रोग्राम से मुस्तफ़ीज़ हुए सर। हमने आज इस वर्कशॉप का इनेकाद कर दिया। जो मसाइल थे वो इंतज़ामिया के सामने हमारे एक्सपर्ट्स ने रख दी। अब इनका काम है, जो हमारे जो मेहमान आए थे, ये अपने स्कूल में जाएं और जो आज मसाइल का हल, जैसे शाहिद लतीफ़ ने बताया, यासीन भाई ने बताया, तो इसका अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करें उसका। ये हमारा मेन मकसद है। अभी देखिए, ये आज जो फंक्शन है, मैं इंतज़ामिया को, जिन लोगों ने वीवर्स हाई स्कूल के इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। और इसमें मेनली जो था, हमको असातिज़ा से और तुलबा के मसाइल और वालदैन के मसाइल, इन सब को डील करना था। और जो 2 साल में जो कोरोना के हालात बने पूरे शहर में, और उसमें जो माली दुश्वारियों से वालदैन को गुजरना पड़ा, और तुलबा के जो तालीमी मसाइल थे, उससे भी जो बच्चे हैं वो परेशान हुए, और ऑनलाइन तालीम हुई और पढ़ाई का डिस्टर्बेंस हुआ, तो इसमें जो मसले तो हुए। और ये सिर्फ ऐसा कि जैसे अभी आपने सवाल किया साजिद से कि क्या ये सिर्फ उर्दू मीडियम स्कूल के लिए ही है, तो ऐसा तो नहीं है। इसलिए कि ये जो मसले हैं, चाहे असातिज़ा के हों, चाहे तुलबा के हों, चाहे इंतज़ामिया के हों, ये सब पर इसका इतलाक़ होता है। वो चाहे इंग्लिश मीडियम का स्कूल हो, मराठी मीडियम का स्कूल हो, या हिंदी मीडियम का स्कूल हो, सबने इसको, इस मसले से नबर्द आजमा रहे और सबने उसको झेला झेला ना सबने झेला। और अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ास तौर पर हमारे शहर में इसके 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 जो मैं तो देखा हूँ, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि तुलबा ने भी और असातिज़ा ने भी, और साथ ही साथ हमारे जो वालदैन हैं, वालदैन ने भी अपने अपनी जो अपने फ़राइज़ हैं उसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरा उन लोगों ने तुंदही के साथ अंजाम दिया और निपटा इसको। देखिए, आज का जो प्रोग्राम था वो अपने मकसद के अतबार से बहुत अहम प्रोग्राम था। इस तरह के प्रोग्राम जो है वो पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह पर होना चाहिए, ताकि स्कूलों के जो इशूज़ हैं पोस्ट पैंडमिक, पैंडमिक गुजर जाने, वबा गुजर जाने के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें स्कूलों के क्या मसाइल हैं, असातिज़ा के क्या मसाइल हैं, पेरेंट्स के क्या मसाइल हैं, और बच्चों के क्या मसाइल हैं, ये एक मुस्ततील है जिसके 4 जाविये हैं। तो आपको जो है वो किसी एक के मसाइल को समझकर आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि 4ों के मसाइल को समझना पड़ेगा। तो मसाइल को समझने की एक तमहीद के तौर पर आज का जलसा समदिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ने मुनक़िद किया था। और इस कॉलेज का इंतज़ामिया और इस कॉलेज के प्रिंसिपल साजिद सिद्दीकी साहब ये मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि इन्होंने इस तरफ न सिर्फ सोचा बल्कि एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और इसकी तरगीब दी। अब इस तरह के प्रोग्राम अगर शहर ब शहर होते हैं तो उसमें जितने भी आउटपुट्स हमारे सामने आएंगे, उन आउटपुट्स को अमल में ला कर हम कुछ कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी दुश्वारी यह है कि अभी तलबा के पास में वक्त बहुत कम है। SSC के इम्तहान जो है वो मार्च में होने हैं और HSC के इम्तहान फरवरी में होने हैं। अगर सिचुएशन यानी ठीक नहीं हुई तो हो सकता है कि इन इम्तहानात को 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए टाल दिया जाए, ये हो सकता है। उससे ज़्यादा महकमा तालीम कुछ नहीं कर सकता। तो अब ऐसी सूरत में, जबकि वक्त बहुत कम है और 2 साल का बैकलॉग चल रहा है, तो जो एजुकेशनल इशूज़ हैं उनको हल करना, उनको सॉर्ट आउट करना इतना आसान नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो है वो सबको मिल बैठने की ज़रूरत है ऐसे जलसों में, और जलसे से ज़्यादा किसी वर्कशॉप में, ताकि हम जो है वो एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखें, एक बात। और दूसरी बात ये है कि हम जो है वो जॉइंटली कोई एक एजेंडा बनाएं कि इम्तहान, तो देखिए इम्तहान होगा और इम्तहान में बच्चे पास भी हो जाएंगे, लेकिन वो मसला नहीं है। मसला ये है कि बच्चे जो है वो 2 साल की डेफिशिएंसी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये डेफिशिएंसी को ख़त्म करना जो है वो हम सबकी जिम्मेदारी है, वेदर वी आर पेरेंट्स, वेदर वी आर टीचर्स, वेदर वी आर सोसाइटी, और वी आर द स्टूडेंट्स आर सेल्व्स। हम जो भी हैं, हमको जो है वो समझना पड़ेगा कि हमको 2 साल में जितना कुछ सीखना चाहिए था उतना हमने नहीं सीखा। तो ये जिस तरह से इंसानी जिस्म में ये होता है कि विटामिन की डेफिशिएंसी आती है, तो विटामिन की डेफिशिएंसी के ज़रिए जो है वो जिस्म की नशोनुमा रुक जाती है और बहुत सारे अमराज जो है वो
पैदा होने लगता है। बिल्कुल उसी तरह से बच्चे की तालीमी जिंदगी में जिस तरह की डिफिशेंसीज पैदा हुई है उसको हम एसर्टेन नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कितनी डिफिशेंसी है। इसको एड्रेस करने के लिए सबका मिलजुल के बैठना, ज़्यादा कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना, ज़्यादा डिवोट करना, ज़्यादा वक्त देना, ज़्यादा पैसे खर्च करना, ये सारी चीज़ें। अभी जैसे भिवंडी के मामलात में मैं जानता हूँ और मुझे कुछ असातिज़ा ने बताया भी कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड है बट देयर फिनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट अलाउिंग देम, वो माली हालत ऐसी है, उसी की वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अलग अलग जगहों पे जॉब्स ढूंढ लिए। अब वो 8 घंटे जॉब करते हैं और उसके बाद में आकर पढ़ते हैं या पढ़कर जाते हैं 8 घंटे, तो उनमें इतनी इतनी फिजिकल ताकत नहीं है कि एक दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो, 10 दिन की बात हो तो आदमी कोप अप भी कर ले। लेकिन ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। चुनांचे कई असातिज़ा ने मुझसे शिकायत की कि सर ये बच्चे जो हैं वो दोनों जगह 6 घंटे पढ़ना, 8 से 10 घंटे और ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें 12 से 15 घंटे तक इनकी इनका कमिटमेंट तो अभी है लेकिन आगे चलकर ये कमिटमेंट रहेगा या नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो मसला ये है, तो ऐसी सिचुएशन को समझना, ये एक माइक्रो लेवल का हमको जो है वो जायज़ा लेना पड़ेगा कि कहाँ पर किस तरह के इश्यूज हैं। तो मैंने जो है वो इन बच्चों के लिए तकरीबन 15 से 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, तो मैंने इन लोगों के लिए कहा कि भाई इनके लिए दो काम करते हैं, इनको जो है वो उन जहां काम कर रहे हैं वहां से थोड़ा सा ईज आउट करवाते हैं और थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकिंग देते हैं। ये दोनों चीज़ें अगर होगी तो शायद हम इन बच्चों के लिए काम आ सकें। सर ये जो आपने डिफिशेंसी की बात की, 2 साल के अंदर जो एजुकेशनल डिफिशेंसी जो आ गई, तो इसमें हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो प्री प्राइमरी के जो बच्चे थे जिन्होंने अभी अभी जो है ना पेन पकड़ना ही सीखा था और उनका जो है पूरा, तो 2 साल के अंदर तो वो लोग पूरा पेन पकड़ना ही भूल गए, पेंसिल पकड़ना ही भूल गए। तो उस लेवल पे मतलब कुछ और इस तरह की प्लानिंग हुई है क्या उस तरह की, मतलब जैसे कि आपकी जो आज मीटिंग हुई थी तो उसमें उन बच्चों के लिए कुछ स्पेशली आप लोगों ने कुछ ऐसा प्लान किया है कि कुछ उसमें डिस्कशन हुआ है? देखिए हम जो है वो मैक्रो लेवल पे बात कर रहे थे, माइक्रो लेवल पे नहीं कर रहे थे, हम जो है वो एक बड़े मंजरनामे पर बात कर रहे थे। चुनाचे स्पेसिफिक सर ने जो मिशन 180 जारी किया था वो इस सिलसिले की कड़ी है। फिर दूसरे ये कि हमारे यहाँ हर घर में 2-2, 3-3 बच्चे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, तो जो टोडलर्स हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिनको स्कूल में पहली जमात तक पहुंच जाना चाहिए था वो नर्सरी में ही नहीं गए, तो उनके लिए नर्सरियां घर घर खुल सकती हैं, ये तो बहुत आसान काम है जी, है ना। ये हो सकता है कि 5 घरों की एक नर्सरी, 10 घरों की ना एक नर्सरी, 1 बिल्डिंग की एक नर्सरी, हमारे पास में कितने हैंड्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज है। एक बिल्डिंग में अगर 10 लोग इस काबिल हैं, कि काबिल तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं लेकिन टीचिंग हर शख्स नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम 5 लोग अगर टीचिंग कर सकते हैं तो वो 5 लोग जो है वो अपनी बिल्डिंग की एक नर्सरी कायम कर ले, दैट्स इट। समदिया हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल साजिद सिद्दीकी साहब ने हमारी सोसाइटी भिवंडी यूवर्स एजुकेशन सोसाइटी के ताउन के साथ आज का जो प्रोग्राम मुनक़द किया, ये प्रोग्राम एक अनोखा और अछूता प्रोग्राम था, ये एक तरगीबी और तामीरी प्रोग्राम था। इससे एक ऐसा मैसेज गया है कि तमाम स्कूलों में जो कमी तालीम के दौर में हुई है उसे किस तरह पूरा किया जाए। और देखिए जब कोई इंफरादी तौर पर काम करता है तो उसका वो असर नहीं होता जो इज्तिमाई तौर पर किया जाता है, इज्तिमाई काम एक देरपा और दूर तक फैलता है। साजिद साहब ने जो तमाम स्कूलों के और मैनेजमेंट के यहाँ सेक्रेटरीज को और अहदेदारान को बुलाया, उसने एक ऐसा पैगाम गया है कि ये पूरे शहर में, पूरे ज़िले में और पूरे रियासत में जा सकता है कि जितने मसाइल तालीम के सिलसिले में आते हैं उसको किस तरह दूर किया जाए और उसकी कमी को किस तरह पूरा किया जाए। और ये एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम था जिसमें लोगों की दिलचस्पी को हमने देखा और लोगों ने इतनी दिलचस्पी के साथ इसे सुना है कि मुझे यकीन है कि ये प्रोग्राम बहुत ही देरपा होगा और दूर तक इसका असर होगा। और ये तमाम लोगों में, खासकर स्कूल के बच्चों में और स्कूल के असातिज़ा में जो तालीम की कमी हुई है उसे किस तरह पूरा किया जाएगा, ये वो अमली तौर पर ये इस काम को पूरा कर सकते हैं। इसलिए कि जहाँ एक दिमाग होता है उसके बदले यहाँ 20 दिमाग सामने आए, जहाँ 2 हाथ होते हैं वहाँ यहाँ 20 हाथ सामने आए, और इन तमाम लोगों के मिलने से ये मसाइल जल्द हल हो सकते हैं। बाद में जो हालात हुए और जो
इफेक्ट जो स्टूडेंट्स के ऊपर आया, जो एजुकेशन इंडस्ट्री के ऊपर आया, खासतौर से भिवंडी के उर्दू स्कूल्स पे, तो उसके उसको नज़र रखते हुए हमने एक वर्कशॉप रखा जिससे सारी भिवंडी के स्कूलों के सेक्रेटरीज और प्रिंसिपल को इनवाइट किए। तो ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, तो इससे जो साइकोलॉजिकली जो पेरेंट्स दबे हुए जिनको फीस को लेके और अपने बच्चों के एजुकेशन को लेके जिनको फिक्र है, तो उनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए और उनके उनको ये मैसेज दिया जाए कि गांव में शहर में लोग हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है, इसके लिए हमने ये वर्कशॉप का अरेंजमेंट किया। और इंशाल्लाह आगे जो अलग अलग जितने भी और भी सोसाइटीज़ है, अब यहाँ से एक शुरुआत हुई है और इंशाल्लाह आगे भी ये शुरुआत और भी स्कूलों में होगी, तो इसका असर जो ड्रॉपआउट्स बच्चे हैं, जो आज हमारे जो शाहिद रशीद साहब जो इनकलाब के जो आए थे, इन्होंने बताया कि 30% ड्रॉपआउट्स है, जो ड्रॉपआउट्स का जो इशू है इंशाल्लाह इससे हल होने की बहुत उम्मीद है। पूरे स्कूल्स के ड्रॉपआउट्स से ये पूरे स्कूल के जो उन्होंने जो एनालिसिस करके जो एक डेटा बनाया उसके ये है कि 30% ड्रॉपआउट्स ऑलरेडी, हम देखें तो माइनॉरिटीज़ में जो मुस्लिम जो अपने जो वो है पॉपुलेशन है उसमें ऑलरेडी ड्रॉपआउट्स थे, उसके अलावा कोरोना के बाद में और उसमें 30% का ड्रॉपआउट्स का वो आ गया, तो इससे बहुत ज़्यादा एक क्या बोलते हैं एक बैकबोन हिल गया हुआ है, तो उसको कैसे क्या कवर किया उसके लिए हमने ये एक वर्कशॉप का अरेंजमेंट करके और ये इससे एक पूरे भिवंडी में जो जो स्कूल्स है सोसाइटी उनमें एक मैसेज जाएगा और उधर पे भी इंशाल्लाह वर्कशॉप होगा और उससे ये जो ड्रॉपआउट्स का जो उसको उठाने के लिए ये पूरा एक प्रोग्राम। तो ये अभी जैसे एडवोकेट यासीन साहब ने से बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि हम कुछ लोग मिलके एक कमेटी बनाएंगे 5-7 लोग और हम इसके लिए जो भी फंड का भी जो ज़रूरत पड़े उसके लिए भी लोगों तक जाएंगे और सोसाइटी में भी अलग अलग जाके इसका ये एक वर्कशॉप का प्रोग्राम मुकर्रर करेंगे। देखिए हमने अपनी जो सोसाइटी के थ्रू जो लोगों की मदद की है उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये वर्कशॉप का अरेंजमेंट किया है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के पीरियड में हमने जो भी फीस वगैरह थी उसमें हमने जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स के जो स्कूल्स हैं उसमें हमने जितनी भी फीस वगैरह थी उसको हमने माफ़ कर दिया और स्टूडेंट्स को हमने 100 रुपये में एडमिशन देने का वादा किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने 700 से 800 बच्चों को एडमिशन दिया, उसमें यूनिफॉर्म उनको डिस्ट्रीब्यूट किया और उनको बुक्स भी दिए।